ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर प्रोब, तो कभी भी जो प्रोब हम लोग बनाते हैं, तो मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि हर टेक्निक का एक लिमिटेशन होता है, तो इसी तरह जब प्रोब भी बनाते हैं उसमें क्रिस्टल है, उसका मैकेनिज्म है, तो इट हैज सम लिमिटेशंस, उसमें कुछ प्लस पॉइंट है कुछ माइनस पॉइंट है, तो उसी को हम लोग बैलेंस करना पड़ता है। तो जो सबसे पहला जो इफेक्ट है इट इज कॉल्ड एज नियर फील्ड, तो नाम से आपको समझता होगा नियर, नियर मींस नियर। सो जैसे व्हाट इज नियर फील्ड एक्चुअली, मतलब जब ये आपका टेस्ट मटीरियल है एंड दिस इज द प्रो, एक्चुअली जो बीम है वो इस तरह होता है, साउंड एनर्जी सर बीम की तरह आती है, ये तो आपको समझा गया, जैसे टॉर्च मारते तो जैसा बीम फैलता है, तो इसमें भी बीम फैलता है। तो नियर फील्ड इज व्हाट, जो नियर नियर एरिया है, जो प्रोब और प्रोब से जो नियर का नियरेस्ट एरिया है, दैट इज कॉल्ड एज नियर फील्ड। सो व्हाट इज नियर फील्ड एंड व्हाट इज नियर फील्ड इफेक्ट, उससे क्या होता है, क्या उसका प्रॉब्लम्स है, इसको अगर समझने का है तो आप एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे सोर्स है लाइट सोर्स, मतलब एक छोटा सा हम दिया है तो जलाते हैं, तो सेम लाइक इज साउंड सोर्स, एक सिंगल सोर्स है, तो उसका अगर वेव फ्रंट देखोगे, मतलब ये बीम ऐसा स्प्रेड होता है, बट आप देखोगे मतलब ये क्या है, ये मैक्सिमम मिनिमम, मतलब मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, इस तरह मतलब यहाँ ये पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, ये पॉइंट पे इंटेंसिटी मिनिमम है, सो ये मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, राइट। बट ये कब पॉसिबल है, अगर हमारा सोर्स जो है तो एक पॉइंट है, जैसे दिया हम लोग जलाते हो, पॉइंट सोर्स होता है, अगर बहुत सारे दिए एक साथ जला दोगे तो पॉइंट सोर्स नहीं रहेगा। एक्चुअली देखो आप ये ट्यूबलाइट पे देखो, अगर हम बल्ब लगाते हैं, इसको बोलते हैं ये एक सिंगल सोर्स है, मतलब एक ही पॉइंट सा है, इसलिए आप देखोगे उसका लाइट भी थोड़ा अच्छा देता है, शैडो एकदम शार्प बनता है, अपना जो परछाई एकदम शार्प बनती है, लेकिन ये जब ट्यूबलाइट लगाते हैं तो ये पॉइंट नहीं रहेगा, ये पूरा बड़ा सोर्स बन गया, तो रोशनी तो अच्छी होती है लेकिन आप शैडो इफेक्ट देखोगे थोड़ा ब्लर होता है। तो एक्चुअली इसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं, ये एक्चुअली एक सिंगल सोर्स नहीं है, ये बहुत सारे सोर्सों के साथ मिलकर बना हुआ है, जहां पे एक 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 पॉइंट एक एक सोर्स की तरह काम करता है। This is a point source. कोई प्रॉब्लम नहीं, अकेला आदमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी पूरा ग्रुप बन गया, तो ये चाहता है सर डिफरेंट डिफरेंट सोर्स, तो ये क्या होता है, आप अगर इसको गौर से देखेंगे, मैं इसको एक्सटेंड करूं, अगर आप स्टार्टिंग में देखते हो, इनिशियल इनिशियल जब इसके नजदीक के रहे में देखो, ये सब आपस में इंटरफेयर कर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं इंटरफेरेंस कम होता जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि शुरुआत में ये एनर्जी इसकी जो बीम जो निकलती है आपस में एक दूसरे को इंटरफेयर करेगी, तो उसमें एक स्टडीनेस नहीं रहेगा, कांस्टेंट ये नहीं रहेगा, इसको ऐसे बता सकता हूं।
एक मैक्सिमम एक मिनिमम, ये एक बीम है। दूसरा बीम जो है आउट ऑफ फेस बोलते हैं हम, इसका उल्टा है। अगर ये दोनों जुड़ जाते हैं तो टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, करेक्ट। अगर एक ऐसा है दूसरा भी ऐसा है कि दोनों सेम फेस में, तो टोटल एनर्जी मैक्सिमम हो जाए। तो वही मैं आपको इधर दिखाना चाह रहा हूं, दोनों सेम फेस है, एनर्जी मैक्सिमम है। इधर भी दोनों सेम फेस है, एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन कोई भी पॉइंट में आउट ऑफ फेस आता है तो एनर्जी मिनिमम है। तो मतलब आपको इनिशियल पॉइंट में कुछ ऐसे स्पॉट्स मिलेंगे जहां पे एनर्जी जीरो हो सकता है, कुछ ऐसे स्पॉट्स मिलेंगे जहां पे एनर्जी मैक्सिमम हो सकता है। इससे इफेक्ट क्या होता है, अगर इसी एयर में कुछ डिफेक्ट आता है, इसी एयर में कुछ डिफेक्ट आता है, उसका आपको रिफ्लेक्शन ठीक से मिलेगा नहीं। अगर मैक्सिमम स्पॉट में कोई डिफेक्ट आता है तो आपको एको काफी बड़ा मिलेगा। मतलब ये सिंपल टर्म्स में नियर फील्ड मतलब वो एरिया है जहां पे आपकी इंटरफेरेंस बीम जो है स्टडी नहीं होता है। आप इसमें भी देख सकते हो, दिया जब जलता है तो पहले जो दिया से धुआं निकलता पहले एकदम हिलता रहता है, बाद में जाते जाते स्टडी होता है। अगर हिलता मतलब अनस्टडी रहता है तो इधर की एनर्जी उसकी अनस्टडी है। तो अगर ये एरिया में कुछ डिफेक्ट आता है तो आपको उसका परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए नियर जोन में एनालिसिस आपका थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। ये एक्चुअल उसका थर्मल इमेजिन है अपना प्रोब का। सो यू कैन सी हियर, यहाँ देखो ये हॉट स्पॉट्स मतलब यहाँ पे एनर्जी मैक्सिमम है, यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स में मतलब एनर्जी वहां पे मिनिमम है। सो अगर ये एरिया में डिफेक्ट आएगा तो आपको एनालिसिस नहीं कर सकते। अगर वो डिफेक्ट गलती से इधर आ गया तो आपको मैक्सिमम एको मिलेगा, लेकिन इसके बाद एनर्जी एकदम स्टडी हो जाती है। तो आपका नियर जोन एंड फार जोन, ये हो गया नियर जोन। उसके बाद का जो एरिया आता है उसको बोलते हैं फार जोन। तो फार जोन, तो फार जोन वो एरिया है जहां पे हम लोग अपना एक्चुअल काम करते हैं। सो अगर आपको डिफेक्ट साइजिंग एनालिसिस जो कुछ करना है वो फार जोन में करना है।